श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फरीदाबाद के आईएमटी ग्राउंड सेक्टर 66 हरियाणा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा स्कंदेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि 4 नवंबर से 8 नवंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक पत्र पढ़े हैं, कुछ उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। इसके साथ ही आपको दीपावली के बाद आने वाली लाभ पंचमी के दिन किए जाने वाला शुभ लाभ वाला विशेष उपाय की जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। शुभ लाभ आपको कब लिखना है, कैसे लिखना है, कहां कहां लिखना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, दीपावली के एक दिन पहले रूप चौदस के दिन एक जीजी हमसे मिलने सीहोर कोबरेश्वर धाम आई और हमसे कहती हैं, हमने पशुपतिनाथ व्रत किया है, भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं, एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, पर बाबा की हर प्रकार से सेवा करने के बाद भी बाबा हमारी नहीं सुनते हैं, ऐसा क्यों? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे देने में देरी की है। जैसे कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा 9 महीने के पहले जन्म ले ले, क्योंकि वह पूर्ण नहीं हो पाएगा, या फिर कोई वृक्ष ये नहीं चाहता कि वह फल जो उसके वृक्ष में है उसे पकने के पहले तोड़ लिया जाए, क्योंकि जब तक फल पकेगा नहीं तब तक वह स्वादिष्ट नहीं लगेगा। उसी तरह भगवान के आप मंदिर जाते हैं और भगवान का आपको देने में समय लग रहा है, तो आपको शंकर भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि आप मुझे जो फल देना चाहते हैं वह अच्छा और सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं, इसलिए समय लग रहा है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, आपको भोलेनाथ के ऊपर ऐसा छोड़ देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जल चढ़ाने में शर्म मत करो, शिव मंदिर जाने में शर्म मत करो। कितने ही करोड़पति क्यों ना हो गए हो, अगर आपके घर के नज़दीक में शिव पुराण कथा हो रही है तो आपको प्रयास करना है कि एक बार ही सही कथा पंडाल में बैठकर आपको कथा का श्रवण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या करता है तिलक, साधु संत ब्राह्मण पंडित सनातनी अपने माथे में मस्तक में तिलक क्यों लगाते हैं? गुरुजी ने कहा, कभी आप अजमा के देख लीजिएगा, ट्रेन में सफ़र करते समय आप देखना, अगर आपके मस्तक में तिलक लगा हुआ है तो कोई ना कोई आपको जगह देकर अपने पास अवश्य बैठा ही लेगा। तिलक लगाने में, त्रिपुंड लगाने में आपको गर्व महसूस होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कैलाश जी पत्र लिख रहा है जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे ने नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसका चयन नहीं हो रहा था, मैंने मेरे बेटे को सीहोर कोबरेश्वर धाम लेकर गया, कंकड़ रूपी शंकर की पूजन की और बाबा से प्रार्थना कर ली। मेरे बेटे के लिए मैंने प्रार्थना कर ली कि मेरे बेटे का चयन हो जाए, और जब तक मेरे बेटे का चयन नहीं होगा तब तक मैं लगातार कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करते रहूँगा। साथ ही मैंने मेरे बेटे को 4 गुना अधिक मेहनत करने को भी कहा। बेटे ने 4 गुना अधिक मेहनत की, भोलेनाथ पर विश्वास रखा और मैं कथा सुनता रहा, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन उसे कराता और उसे यह कहा कि तुम एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना। बेटे ने 4 गुना अधिक मेहनत की, एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र को शिवलिंग पर शहद का उपयोग करते हुए चिपकाते हुए चला गया। मैंने पंडाल में कथा सुनता रहा, 15 कथा मैंने पंडाल में सुनी और आज मैं बताना चाहूँगा, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, सरकारी कॉलेज मिल गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। निशिता कुमारी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, कुछ दिन पहले स्वास्थ्य खराब हुआ, पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया, फिर पता चला कि कान के पीछे गांठ हो गई है, डॉक्टर ने कहा कि गांठ दूसरी भी लग रही है, बड़ी बीमारी का अंदेशा लग रहा है, ऐसा सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। मैंने मेरे पति से सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष बुलवा लिया, मैं रुद्राक्ष वाला जल का आचमन करना शुरू किया, डॉक्टर ने 15 दिन का ऑपरेशन का समय दिया था, डेट थी, मैंने इस बीच रोज सीहोर कोबरेश्वर धाम का जल शिवलिंग पर चढ़ा के उसका आचमन कर लेती। इसके साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी धारण किया। इसके बाद मैंने जब जांच कराने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, जो गठाने हैं वह गल रही हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
प्यार में और चाहत में बहुत बड़ा अंतर होता है। लोग कहते हैं कि हम शंकर भगवान को बहुत प्यार करते हैं, तो गुरुजी क्या आप भी शंकर भगवान से उतना ही प्यार करते हो? तो हमने कहा, गुरुजी ने बोला कि हम महादेव से प्यार नहीं चाहत करते हैं, क्योंकि प्यार टूट जाता है पर चाहत कभी नहीं टूटती है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हापुड़ की कथा में हमने आपसे कहा था कि किसी को आई मिस यू से ज़्यादा अच्छा है आई विथ यू कहें, यह उसे सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब अगर आपके जीवन में परेशानी आए, कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो आपको यह भजन अवश्य गुनगुनाना चाहिए, सर पर तेरा हाथ फिकर अब क्या करना। काफ़ी अच्छा भजन है, जिसे आज गुरुजी ने कथा के दौरान गाया भी था। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। अभिषेक जी पत्र लिख रहा है, जिसमें लिखा, 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। शरीर में बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते थे और खाल निकलती रहती थी। लाखों खर्च कर दी, कई डॉक्टर को दिखाया, पर कहीं से बीमारी ठीक नहीं हुई। मम्मी ने आपकी कथा सुनना शुरू किया। 2 साल से मैं कथा सुन रही थी, वो मुझे भी कथा सुनाना शुरू किया, मुझे मंदिर भेजना शुरू किया, मुझे मंदिर में झाड़ू लगवाना शुरू किया। मैं बहुत चिढ़ता था कि झाड़ू लगाने वाले तो आते हैं, मैं क्या झाड़ू लगाऊँ, पर माँ के कहने पर मैंने ऐसा करना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। ऐसा करते मेरे को 1.5 साल हो गए, पर मेरे को कहीं से भी कोई लाभ नहीं देखने को मिल रहा था। पर मैंने बाबा पर विश्वास रखा, सोचा मेरी फाइल मोटी होगी, और बाबा की कृपा से आज मेरी बरसों पुरानी बीमारी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। बुलबुल जी पत्र लिख रहा है, जिसमें लिखा, 2021 में पेट में दर्द हुआ। मुझे लगा ऐसा ही दर्द होगा, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद मेरी उल्टियाँ शुरू हो गई और उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। इसके बाद किसी अन्य डॉक्टर को दिखाया तो उसने अपेंडिक्स बता दिया और कहा कि ऑपरेशन कल ही करना पड़ेगा। हमने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लिया, उसके बाद भी उल्टियाँ बंद नहीं हुई। मेरी माँ ने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने को कहा, साथ ही शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाने को कहा। मैंने जल चढ़ाना शुरू किया और 5 दिन में ही मेरी उल्टियाँ ठीक हो गईं। मेरी नौकरी नहीं थी, सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी, तभी मैंने अलवर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से सरकारी नौकरी की कामना कर ली, और 2 महीने ही निकले थे, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें लिखा, मेरी शादी को 12 साल निकल गए थे, पर मुझे संतान का सुख नहीं था। IVF टेस्ट ट्यूब सब करवाया, पर मुझे कहीं से संतान सुख नहीं हुआ। घर के लोग से ज़्यादा बाहर के लोग औलाद न होने के ताने देते थे। मेरी सास ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा, मैंने कथा सुनना शुरू किया। आपने कथा में बताया था कि रुद्राक्ष महोत्सव है और रुद्राक्ष का आपने वर्णन किया। मैंने सीहोर को बृहस्पति धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। कंकड़ रूपी शंकर का भी पूजन करके उस कंकड़ रूपी शंकर को भी घर पर ले आए। कंकड़ लाने के बाद 3 महीने भी नहीं निकले, मेरा गर्भ ठहर गया। मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता यादव जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, 2023 से आपकी कथा सुन रहे हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक नीट की तैयारी कर रहा था, एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कई वर्षों से प्रयास करने के बाद भी दोनों का चयन नहीं हो रहा था। हमने उनसे कड़ी मेहनत करने को कहा, 4 गुना अधिक मेहनत को करने को कहा, साथ ही शिव पर विश्वास रख के शिव मंदिर जाने को कहा। बच्चों ने शिव मंदिर जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। आपने ऑनलाइन श्रावण शिवरात्रि की पूजन अर्चन करवाई थी, वह हमने करी। आपके कहे अनुसार हमने घर के बाहर मुख्य द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बैनर भी चिपका दिया। बेटों ने बहुत अधिक मेहनत की और बाबा की कृपा से मेरे 2 बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और सबसे अंतिम विशेष जानकारी की ओर। दीपावली के बाद आने वाली लाभ पंचमी, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी कहलाती है, यह लाभ पंचमी कहलाती है, और इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आपसे एक विशेष उपाय करने को कहा है। यह उपाय गुरुजी ने पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में बताया था, जो कि आपको अपने घर पर ही करना रहता है। आपको अपने घर पर कुछ विशेष स्थान गुरुजी ने बताए हैं, जहाँ पर आपको शुभ लाभ लिखना है। गुरुजी ने कहा, आपने जहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चन की होगी, वहाँ आप दीवार में पीछे शुभ लाभ लिख सकते हैं। आप अपने हाथ की उंगली का उपयोग करते हुए या फिर माचिस की तीली का उपयोग करते हुए शुभ लाभ लिख सकते हैं। आपको किस प्रकार से शुभ लाभ लिखना है, आप वीडियो में देख कर समझ सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने कुछ और स्थान बताए हैं, जहाँ पर आप शुभ लाभ अवश्य लिखें।
आपको अपने मुख्य द्वार जो घर का होता है वहाँ पर मुख्य द्वार के दोनों ओर शुभ लाभ लिखना है। आपको अपने घर में जो तिजोरी होती है या फिर जो अलमारी होती है उसमें शुभ लाभ लिखना है। साथ ही साथ आपका व्यापार वाले स्थान में जो पूजन का स्थान होता है वहाँ पर भी आपको शुभ लाभ अवश्य लिखना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको यह उपाय करना होता है। हम आपको बता दें, इस वर्ष जो लाभ पंचमी आ रही है, कार्तिक माह की पंचमी तिथि बस आने ही वाली है जो कि 6 नवंबर को है। आपको यह 6 नवंबर को उपाय सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, रात्रि को भी कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।